नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। पिछले वर्ष की शुरुआत से नागपुर सहित देश के अधिकांश इलाके में कोरोना ने अपना पाव पसारना शुरू कर दिया था। ऐसे मरीजों को अस्पताल, चिकित्सक, वापस घर व मृतक को घाट तक ले जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कारण साफ था कि एम्बुलेंस सेवा जरूरत के अनुसार अल्प थी और मौके की नजाकत देख मनमानी शुल्क वसूली की जा रही थी। इस वर्ष कोरोना का विकराल रूप से एम्बुलेंस सेवा के भाव सर चढ़कर बोल रहे थे। इससे जनता को निजात दिलाने हेतु परिवहन समिति सदस्य बंटी कुकड़े, महापौर दयाशंकर तिवारी, महापौर प्रवीण दटके और मनपायुक्त राधाकृष्ण बी की संयुक्त पहल पर गत दिनों मनपा प्रशासन की निशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। इससे एम्बुलेंस सेवा के नाम पर जारी लूट पर पूर्ण विराम लग गई। कोरोना के दूसरे चरण में भयावह स्थिति के मद्देनजर मरीजों को घर से अस्पताल, ठीक होने के बाद अस्पताल से घर, घर से चिकित्सक तक और कोरोना से मृत्यु हुए लोगों को घर या घाट तक ले जाने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष एम्बुलेंस संचालकों को मनमानी रकम मांगने लगे। क्योंकि मरीजों की संख्या ज्यादा और एम्बुलेंस सेवा कम, इसलिए जो ज्यादा रकम दे रहा है उसे ही सेवा देने का आरोप मनपा प्रशासन सह परिवहन समिति सदस्य बंडी कुकड़े तक पहुंचने लगा। इस बीच कुकड़े ने परिवहन सेवा के विशेषज्ञों से मनपा की आपली बस सेवा फिलहाल बंद है, इस खड़ी बसों में मिनी बसों का सीट निकाल कर उसे एम्बुलेंस में शववाहिका का रूप दिया जा सकता है। कुकड़े ने इस संकल्पना को महापौर दयाशंकर तिवारी और MLC प्रवीण दटके के समक्ष पेश किया। इन दोनों को बात पड़ गई और महापौर तिवारी ने मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी से मनपा को नियुक्त एम्बुलेंस व शववाहिका को सेवा और उसके जनहित में कायदे पर चर्चा किया। यह सेवा निशुल्क हो इस पर जोर दिया गया, जिसे आयुक्त ने सहर्ष स्वीकारो उन्नति देकर परिवहन विभाग को या मिनी बसों में से 25 एम्बुलेंस व 16 शववाहिका सेवा के लिए तैयार करने का निर्देश दिया, जिसका विगत दिनों महापौर तिवारी, परिवहन समिति सदस्य कुकड़े सह मनपा अधिकारियों की उपस्थिति में शुरुआत की गई। 2 महिन्यापासून नागपूर शहरामध्ये COVID-19 ने थैमान घातलेला आहे। रुग्णांची संख्या ज्या पद्धतीने वाढते आहे आणि रुग्णांची संख्या वाढल्यानंतर ते आवाक्याच्या बाहेर त्यांची परिस्थिती चाललेली आहे। वारंवार महापौर कार्यालयात आणि आमच्या महानगरपालिकेमध्ये ह्या तक्रारी यायच्या की रुग्णवाहिका मिळत नाही आहे, आणि जर मिळत असेल रुग्णवाहिका तर ते 2 किलोमीटरचे 5,000 रुपये, तर 10 किलोमीटरचे, म्हणजे एक तक्रार तर अशी आली की जैताळापासनं मेयो हॉस्पिटलपर्यंत जायचं होतं, ज्याचं 5 किलोमीटर फक्त त्याचं डिस्टन्स आहे, त्या 5 किलोमीटरचे 35,000 रुपये रुग्णवाहिकेने आकारले, आणि गरीब जनता जाणार कुठे, नागपूर शहराची जनता जाणार कुठे। माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री माननीय नितीनजी गडकरी यांचं पूर्ण लक्ष नागपूर शहरावर आहे। त्यांनी म्हटलं एकही रुग्ण हा रुग्णवाहिकेशिवाय इथे जाऊ शकत नाही, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार। रुग्णाला प्रॉपर त्याची सुविधा मिळाली पाहिजे, त्याला हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचवण्यात आलं पाहिजे। माननीय महापौरजी दयाशंकरजी तिवारी यांच्या निर्देशानुसार आम्ही 25 बसेस ह्या मिनी बसेस पूर्ण ऑक्सिजनयुक्त आपत्कालीन रुग्णसेवेकरता आज आम्ही लोकार्पित केलेले आहे। याच्यामध्ये ऑक्सिजन आहे, ऑक्सिजनसहित आम्ही रुग्णांना सेवा देणार आहे। त्याच्यानंतर ह्या 25 ज्या बसेस आहे याच्यामधील ड्रायव्हर आणि कंडक्टर जे आहेत हे आमचे कोविड योद्धा आहे। रिस्क घेऊन, म्हणजे जीव हाताशी घेऊन ते रुग्णांना नागपूर महानगरपालिकेच्या जनतेंना सेवा देणार आहे। मी त्यांना पण वंदन करतो, त्यांचे आभार मानतो की ती हे एवढी मोठी सेवा त्यांना देणार आहे। त्यांनी पूर्ण ड्रायव्हर आणि कंडक्टरांना ऑक्सिजन कसं लावायचं याचं सुद्धा आम्ही ट्रेनिंग त्यांना दिलेलं आहे, म्हणजे जेणेकरून एखाद्या रुग्णाला ऑक्सिजनची कमतरता भासली तर ते त्याला ऑक्सिजन लावून आम्ही त्याच्या इस्पितळापर्यंत, हॉस्पिटलपर्यंत उपचार घेण्यासाठी आम्ही तिथे पोहोचून देऊ। एवढी आम्ही आज सेवा आजपासून लोकार्पित करतो आहे आणि ही सेवा पूर्णतः निःशुल्क राहणार आहे। माननीय नितीनजी गडकरी, माननीय देवेंद्रजी फडणवीस आणि माननीय महापौरजी यांच्या या निर्देशानुसार आजपासून परिवहन सेवा ही रुग्णांच्या सेवेकरता उपलब्ध राहील।